नमस्कार पॉजिटिव भारत को स्वागत करछु मु चिन्मयी। प्रथमे हेडलाइंस। मोदी कैबिनेट रो बड़ निष्पत्ति, स्कूल शिक्षा क्षेत्र में आरंभ हो नुआ जुग। 2,94,000 कोटी टंकार समग्र शिक्षा टू योजना को मंजूरी। सरकारी स्कूल रे भी आरंभ हो प्ले स्कूल। प्रथम थर पर देश में 3 वर्ष शिशु प्ले स्कूल परिकल्पना। आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव पर ऐतिहासिक दिन। प्रथम स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत जलावतरण परीक्षामूलक भाव आरंभ कला प्रथम समुद्र यात्रा। भारत में आरंभ हो प्रथम भूमिकंप वार्निंग सिस्टम। भूकंप पर जो अंचल में तरंग पहुंचार संभावना रही सेठारे फोन द्वारा करा अलर्ट। उत्तराखंड हो आरंभ। देश चतुर्थ पदक निश्चित कले रेसलर रवि दहिया। 57 केजी वर्ग में काजिकिस्तान सनायब को हराई फाइनाल रे कले प्रवेश। एवं हो स्वर्ण लड़े सेपटे जैवलिन थ्रो रो फाइनाल रे नीरज चोपड़ा। यहां पराजय नुहे विजय, सुना रूपा नहला नाही, हारी भी हीरापुरी चमकिले देशर झील। ओलंपिक्स रे सेमी रे अर्जेंटिनारु 2-1 रे पराजय परे ब्रोंज पाई ब्रिटेन को भेटिबो महिला हॉकी टीम। एतर संपूर्ण खबर। स्कूल शिक्षा क्षेत्र में आरंभ हो नुआ जुग। सरकारी स्कूल रे भी आरंभ हो प्ले स्कूल। बुधवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षत बसी केन्द्र कैबिनेट रे स्कूल शिक्षा क्षेत्र में ऐतिहासिक निष्पत्ति। देश में समग्र शिक्षा टू योजना को मोदी कैबिनेट रो मंजूरी मिली। 2,94,000 कोटी टंकार समग्र शिक्षा योजना दुई केन्द्र सरकार महत्वाकांक्षी योजना जहां 5 वर्ष चलो। यहसह प्रथम थर पर देश में 3 वर्ष शिशु प्ले स्कूल परिकल्पना करा जाय छी। स्कूल शिक्षा क्षेत्र में नुआ जुगर आरंभ। प्राथमिक शिक्षा को सुदृढ़ करने दिगरे मोदी कैबिनेट रो ऐतिहासिक निष्पत्ति। एणिकि सरकारी स्कूल रे भी आरंभ हो प्ले स्कूल। समग्र शिक्षा 2.0 योजना को कैबिनेट रो मंजूरी। बुधवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षत बसी केन्द्र कैबिनेट रे स्कूल शिक्षा क्षेत्र में ऐतिहासिक निष्पत्ति। देश में समग्र शिक्षा योजना 2.0 को कैबिनेट रो मंजूरी मिली। 2,94,000 कोटी टंकार केन्द्र सरकार को एक महत्वाकांक्षी योजना हूँ समग्र शिक्षा 2.0। एप्रिल 1, 2021 रु मार्च 31, 2026 पर्यंत यह कार्यकारी हेबो। यह अधीन दूरदूरांतर शिशु को परिवहन सुविधा दिया। राज्य गुड़ी को आर्थिक सहायता प्रदान करपटे। प्रथम थर पर देश में 3 वर्ष शिशु प्ले स्कूल परिकल्पना कर सरकारी स्कूल में प्री प्राइमेरी व्यवस्था आरंभ कर। शिशु प्रारंभिक 4 वर्ष शिक्षा को अधिक सुदृढ़ करने शिक्षकों प्रशिक्षण दिया। स्कूल रे खेल को प्रोत्साहन करने अतिरिक्त ग्रांट प्रदान केवल एति नुहे। प्रथम थर पर शिशु सुरक्षार दायित्व भारत सरकार ने। समग्र शिक्षा 2 आज कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने उसको मंजूरी दी है। नई शिक्षा नीति में 3 साल से बच्चा खेल की माध्यम से सीखने का उपक्रम पे जुड़ेगी। प्रधानमंत्री जी की जो 4 बिंदु पे फोकस है, शिक्षा, इक्विटी, क्वालिटी, एक्सेस और अफोर्डेबिलिटी, ये 4 बिंदु पे शिक्षा की रचना को किया जाएगा। सेपरी महिला एवं शिशु यौन अपराध क्षेत्र में त्वरित न्याय प्रदान पर फास्ट ट्रैक कोर्ट आगामी 2 वर्ष काम कर। केंद्र कैबिनेट रो अनुमोदन मिली। माइनर गर्ल चाइल्ड को, वुमेन को जो रेप के केसेस होते हैं उसमें जल्द न्याय मिल सके उसके लिए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, इसको लेकर जो आज अप्रूवल दी है उस योजना को कंटिन्यू करने के लिए, इसमें लगभग 1,023 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स चलते रहेंगे जिसमें से 1,023 समेत इसमें पॉस्को कोर्ट स्पेशली 389 कोर्ट्स हैं। वो कुल व्यय इसके ऊपर 1,572.86 करोड़ होगा जिसमें केंद्र सरकार का हिस्सा जो है वो लगभग
971.70 करोड़ होगा और 601.16 करोड़ शेयर राज्य की सरकारों का होगा। शिक्षा क्षेत्र में संस्कार आने दिगरे गोटे पर गोटे ऐतिहासिक निष्पत्ति ग्रहण करछंती केंद्र सरकार। निकट रे नूतन शिक्षा नीति 2020 रो एक वर्ष पूर्ति अवसर रे प्रधानमंत्री प्रथम श्रेणी पिलांक पई विद्या प्रवेश मॉड्यूल रो शुभारंभ करथिले। एहा स देशर शिक्षा क्षेत्र रे क्रांतिकारी परिवर्तन आसुचि बोली कहिथिले। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। भारत रे आरंभ हेबाकु जाउछि प्रथम भूमिकंप वार्निंग सिस्टम। जापान और मेक्सिको अमेरिका परे एबे भारत रे प्रथम भूकंप पूर्व सतर्कता सूचना उत्तराखंड रे आरंभ हेबाकु जाउछि। भूकंप घटिबा मात्रे जो अंचल रे भूकंप तरंग पहुंचिबार संभावना रहिछि सेठारे फोन द्वारा अलर्ट जारी करा जिवो, जहा द्वारा लोकमानंकु निरापद स्थान खोजिबा पई पर्याप्त समय मिलिबो। एपरिकि खूब कम बेगरे अर्थात 11,000 किलोमीटर पर आवर रो भूकंप तरंग को मध्य ठाब करि परिबो एहि सिस्टम, जहा द्वारा भूकंप केन्द्रित स्थान रु दूर रे थिबा लोक माने मध्य सतर्क होई परिबे एवं जीवन बचाई परिबे। ଭାରତର ସ୍ୱଦେଶୀ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ କୋଭିସିଲ୍ଡ ଟିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛି ହୁ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି 2 ଡୋଜ୍ କୋଭିସିଲ୍ଡ ଟିକା ନେବା ପରେ ଆଉ ଅଧିକ ଡୋଜ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କାରଣ କୋଭିସିଲ୍ଡ ଟିକାରେ କରୋନା ଭୂତାଣୁକୁ ଏକ ଲମ୍ବା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରିବାର କ୍ଷମତା ରହିଛି। ଏହାଛଡ଼ା ଡେଲ୍ଟା ପ୍ରଜାତି ବିରୁଦ୍ଧରେ 2 ଡୋଜ୍ କୋଭିସିଲ୍ଡ ଟିକା ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଇସିଏମ୍ଆର୍ ଏବଂ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଭାଇରୋଲୋଜି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ କୋଭିସିଲ୍ଡର ଉଭୟ ଡୋଜ୍ ଟିକା ନେଇଥିବା ଲୋକ କରୋନା ଡେଲ୍ଟା ଭ୍ୟାରିଆଣ୍ଟ ବିରୋଧରେ ଅଧିକ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ରହିଛି। ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଓ ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ଐତିହାସିକ ଦିନ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱଦେଶୀ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ କ୍ୟାରିୟର ବିକ୍ରାନ୍ତର ଆଜି ଜଳାବତରଣ କରାଯାଇଛି। ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବରେ ପ୍ରଥମ ସମୁଦ୍ର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ବହନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ମିତ ଏହି ବିଶାଳ ଜଳଜାହାଜ। ଆଗକୁ ଏହି ଜଳଜାହାଜକୁ ଭାରତୀୟ ନୌସେନାରେ କମିଶନ ବା ମୁତୟନ କରାଯିବ ଏବଂ ନାଁ ଦିଆଯିବ ଆଇଏନ୍ଏସ୍ ବିକ୍ରାନ୍ତ। ପ୍ରାୟ 40,000 ଟନ୍ ଓଜନର ଏହି ଜାହାଜ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭାରତରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି 23,000 କୋଟି ଟଙ୍କା। କୋଚିନ୍ ସିପ୍ରାୟଡ୍ର ଏହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ବିକ୍ରାନ୍ତରେ। ଏହାର ଡେକ୍ରେ ଏମ୍ଆଇଜି 29K ସୁପରସୋନିକ୍ ଫାଇଟର ଜେଟ୍, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମଲ୍ଟି ରୋଲ୍ ହେଲିକପ୍ଟର ଇତ୍ୟାଦି ରଖାଯାଇପାରିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବଢ଼ିବ ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଶକ୍ତି। ବିକ୍ରାନ୍ତ ନିର୍ମାଣ ଦ୍ୱାରା ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ ସବୁ ଉନ୍ନତ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସହ ସମକକ୍ଷ ହୋଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର ଜଳଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସକ୍ଷମ। ପଜିଟିଭ୍ ଭାରତରେ ଖବର ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍ର। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ଏଣିକି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହୋଇପାରେ କାର୍ରେ 6 ଏୟାରବ୍ୟାଗ୍ ରଖିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ଓ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ। କାର୍ରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ମତ ବା ଯୁକ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ସୋସାଇଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରର୍ସର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ଆଗକୁ କାର୍ରେ 6 ଏୟାରବ୍ୟାଗ୍କୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିବା ବାବଦରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଗଡ଼କରୀ। ଏହି ଅବସରରେ ଫ୍ଲେକ୍ସ ଫୁଏଲ୍ ବା ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ୍ ଫୁଏଲ୍ ଗାଡ଼ି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିକଶିତ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ। ଏହି ପ୍ରକାରର ଯାନବାହନର ଇଞ୍ଜିନ୍ରେ ବିକଳ୍ପ ଇନ୍ଧନ ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ 2 ପ୍ରକାର ଇନ୍ଧନ ରହିଥାଏ। ବ୍ରାଜିଲ୍ ଭଳି କେତେକ ଦେଶରେ ଏହି ମଡେଲ୍ ସଫଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ବିଚାର କରାଯାଉଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ସହ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ କଥା ହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଏ ବିଷୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ଟ୍ୱିଟ୍ ଯୋଗେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ଡ୍ୟାମ୍ଗୁଡ଼ିକରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହେବାରୁ ଏବେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର କେତେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କେନ୍ଦ୍ର ତରଫରୁ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସେ ମମତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ବନ୍ୟା କବଳରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନିରାପତ୍ତା କାମନା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ।
भारत और विश्व बैंक मध्य स्वाक्षरित तो होती 250 मिलियन डॉलर रो एक प्रकल्प चुक्ति देश में एवं रही नदीबंध गुड़ी अधिक निरापद और मजबूत करने अर्थ व्यय भारत सरकार केंद्रीय जल कमिशन देशर 10 राज्यर प्रतिनिधि और विश्व बैंक मध्य चुक्ति स्वाक्षरित तो होती मुख्यतः खर्च होगा 250 मिलियन डॉलर अर्थ में नदीबंध गुड़िकर सुरक्षापी दीर्घसूत्री निरापत्ता व्यवस्था ग्रहण होड़शा समेत छत्तीसगढ़ गुजरात राजस्थान महाराष्ट्र केरल तमिलनाडु भली अन्य केतेक राज्य में 120 ड्यम्र रक्षणाबेक्षण अर्थ खर्च होगक अन्य केतेक राज्य और केन्द्रशासित अंचल सामिल हो पारे केन्द्र अर्थ मंत्रालय तरफ एक प्रेस विज्ञप्ति जरिया सूचना रही राज्य में कमुची पॉजिटिव संख्या किंतु कमुनी मृत्यु पुणी 66 जीवन नहीं वायरस यहाँ मिसाई राज्य में मोट कोरोना जनित मृत्यु संख्या 6168 में पहुंची सेपटे राज्य में 24 घंटे 1315 पॉजिटिव चिन्हट होती संगरोधर 762 और स्थानीय अंचल 553 रोगी चिन्हट होती राज्य में संक्रमित संख्या 982181 को वृद्धि पाई 13872 जन रोगी एवं भी चिकित्साधीन अच्छा कुस्ती 57 केजि वर्गर फाइनाल रे पहुंची देश चतुर्थ पदक निश्चिंत करिसेंती भारतीय रेसलर रवि दहिया कजाकिस्तान सनायाब नूरिस्लाम को हराई फाइनाल रे प्रवेश करिसेंती प्रतियोगितार गोटे समय रे 2-9 पछुआ थिले रवि दहिया पर जोरदार कमबैक करी फाइनाल रे प्रवेश करिवारे से सफल होइछेंती सुशील कुमार पर कुस्ती फाइनाल रे प्रवेश करिवारे द्वितीय भारतीय होती 2012 लंडन ओलंपिक रे सुशील कुमार रौप्य पदक जीति एवं फाइनाल रे स्वर्ण पदक रवि दहिया मुकाबला करेंगे सेमिफाइनाल रे हारे बक्सर लवलीना टोकियो रे ब्रोंज पदक रे संतुष्ट होगा पड़ी ओलंपिक्स बक्सिंग रे मेडल जितबारे तृतीय भारतीय होती लवलीना तुर्की विश्व चैंपियन बक्सर बुशेनाज लवलीना को 0-5 रे हर चलित ओलंपिक रे भारत तृतीय पदक यह पूर्व वेट लिफ्टिंग रे मीराबाई चानू सिल्वर बैडमिंटन रे पीवी सिंधु ब्रोंज पदक जीति सारी लवलीना को सफलता पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान शुभेच्छा जनाई बुलेटिन आगो को अनेक किछु गुरुत्वपूर्ण खबर रही किंतु समय होइछि आउ एक छोट ब्रेक रो ब्रेक परे स्वागत सेपटे आथलेटिक्स रो मध्य भल खबर आसी नीरज चोपड़ा जैवलिन थ्रो रो फाइनाल रे प्रवेश करिछन्ते क्वालिफिकेशन राउंड रे 86.65 मीटर दूर जैवलिन थ्रो करी से फाइनाल रे प्रवेश करबा सह भारत रो पदक आशा को बढ़ाई सेपटे आज महिला हॉकी टीम पाखरे इतिहास रचिबार सुजोग रही सेमिफाइनाल रे आज हार कथा कहबुनि कारण यह पराजय नुहे सुना रूपा न मिलला ना आम पाखे हीरा अच्छा सारा दुनिया सेमानक चमक देखिला भारतीय महिला हॉकी टीम जदिओ सेमिफाइनाल रे अर्जेंटीना 2-1 रे पराजय होइछे किंतु एबे तांको पाखरे ब्रोंज पदक रो सुजोग रहिछे एबे ब्रिटेन सह महिला हॉकी ब्रोंज पई मैच खेलिबो अर्जेंटीना परी शक्तिशाली टीम आगरे भारतीय महिला हॉकी टीम जों परी भाबे भलो खेल प्रदर्शन कला ताकु सारा विश्व देखिला आज हारी भी समस्तक मन जिणी नेले देशर झियो कड़ा टक्कर भितरे शेष होइछि ओलंपिक महिला हॉकी सेमीफाइनल ब्रोंज पदक पाई पुणी लड़िबो टीम मैच आरंभरु 1-0 रे आगुआ थिला भारतीय दल विश्व चैंपियन अर्जेंटीना रो करिथिला कड़ा मुकाबला प्रथम थर पाई सेमीफाइनल को प्रवेश करी रचिछि इतिहास
अर्जेंटीना विपक्ष में निजर समस्त सामर्थ्य सहित लड़ा सत्वे सेमिफाइनल रे पराजय स्वीकार करिछि भारतीय महिला हॉकी दल तथापि भारत हॉकी दल को पदक मिलिबार आशा बजाय रहिछि। ब्रोंज पदक पाई ग्रेट ब्रिटेन सहित परवर्ती मैच खेलिबो भारत। फास्ट क्वार्टर आरंभरु लड़ुआ प्रदर्शन जारी रखिथिले भारतर 16 जन दिग्गज महिला खिलाड़ी। प्रथम क्वार्टर रे मात्र 2 मिनिट मध्यरे भारत तरफरु गुरजीत कौर पेनाल्टी कर्नर नै प्रथम गोल स्कोर करी अर्जेंटीना को विव्रत कर देथिले। विश्वर 2 नंबर अर्जेंटीना दल प्रथम क्वार्टर आरंभरु भारतीय दल उपरे चाप सृष्टि करबाकु चेष्टा करथिले मध्य भारतर डिफेंडर माने दृढ़ भावरे प्रति मुहूर्त रे अर्जेंटीना को गोल समस्या रिची पॉजिटिव भारत को एट रखुछु। नमस्कार।